मैं हूं हुमैरा हुसैन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तरक्की की बातें। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हम डिस्कशंस करते हैं तरक्की और उससे रिलेटेड मामलों पर, लेकिन नाज़रीन कुछ बर्निंग इश्यूज भी होते हैं जो तमाम चीज़ को ओवरशेड कर जाते हैं और माशरे में नासूर की तरह होते हैं, और अगर उनको हम अनअटेंडेड छोड़ दें तो वो मसाइल खड़े करते हैं। तो इन मसाइल में से एक मसला है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। नाज़रीन आपको हर आए रोज़ टीवी और अखबारात के ऊपर दिल दहला देने वाले वाक़यात मिल रहे होंगे, जो जाहिर है कि हम सबके लिए लम्हा फिक्रिया हैं। और कल ही अभी इस्लामाबाद के अंदर एक इदारा है जिसने एक रिसर्च रिपोर्ट लॉन्च की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हर रोज़ जो रिपोर्टेड केसेज हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के, उनकी तादाद कम अज़ कम 8 है। और किस तरह से उन्होंने ये रिसर्च रिपोर्ट कंपाइल की, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है क्या, इसकी किस किस्म की अकसाम है, मुआशरा और सिविल सोसाइटी क्या कर सकता है इसको हैंडल और एड्रेस करने के लिए, तो इस सिलसिले में आज हमने मुलाकात रखी है मोहतरमा मनीज़ बानो से, जो इदारा साहिल की ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और आपकी इतला के लिए बताते जाएं कि ये इदारा बिलखसूस चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के अगेंस्ट ही काम करता है। अस्सलाम वालेकुम। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आपके आने का बहुत शुक्रिया। मैडम हमें ये बताइए कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है क्या, क्योंकि हमारे यहाँ तो बेसिकली जो वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ अब्यूज़ है उसी को ही इसमें कैटेगराइज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर चाइल्ड अब्यूज़ है तो उसकी क्या इकसाम है, और क्या ये किसी खास जेंडर के खिलाफ होता है? देखें, जो जहाँ तक इकसाम है, कोई 8 इकसाम है, ठीक है ना जी। हम तो रेप और सोडमी का करते हैं, मगर अब ये पोर्नोग्राफी भी आ गई है, विच इज़ ऑल्सो अ फॉर्म। मगर देखना, दिखाना जिस्म का, लफ्ज़ों में इस तरह के नामाकूल बातें करनी, ये सब सेक्सुअल अब्यूज में आते हैं। प्रोस्टिट्यूशन, ट्रैफिकिंग में क्या होता है, वो भी सेक्सुअल अब्यूज ही है, मगर एक टारगेट ग्रुप होता है। तो ये तो हमारे बहुत कम बाकी के रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि कोई सबूत भी नहीं हो सकता आसानी से, और मुश्किल होता है इसकी रिकॉर्डिंग, ख़ासतौर पर नामुनासिब छूना, आप कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो और जहाँ तक जेंडर का है, एक बहुत अजीब बात आपको बताऊँ कि हमेशा लड़कियां ज़्यादा होती हैं और ये वर्ल्ड वाइड ज़्यादा होती हैं। हम देख रहे हैं अब कि हमारे जो लड़कों के साथ हो रहा है वो तकरीबन बराबर नहीं बल्कि ज़्यादा हो रहा है लड़कियों से। तो ये नई फिनोमेना सामने आई है, क्योंकि पहले लड़के रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। अच्छा, ठीक है, ना, सही हो रहा तो थोड़ा उनके साथ, यहाँ तो वो समझते थे कि बस ठीक है, हो गया है, यहाँ शर्मिंदगी तो होनी होती है कि जी मर्दानगी मेरी नहीं है कि मैंने रिजिस्ट नहीं किया। अब ये हम देख रहे हैं कि ये बातें ज्यादा सामने आ रही हैं, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चेंज। तो मैडम, किस किस्म के मिथ्स हैं इस फिनोमेना के अराउंड, क्योंकि आजकल जो एक नोशन बहुत ज्यादा चल रहा है वो ये है कि जी इसको ड्रेस होने से लिंक कर दिया गया है। आप बताइए मुझे, जब हम 0 से 5 साल के बच्चे की रेप की बात करते हैं तो उनके कौन से कपड़े हैं, या लड़कों की बात करते हैं तो उनके कौन से कपड़े हैं? ये बात नहीं है, ये बात है ऑफ एक्सट्रीम लैक ऑफ कंट्रोल ऑन द पार्ट ऑफ द अब्यूज़र, ability to have implement a power structure, ये भी बहुत है कि जी आप अपना ताकत दिखा सकते हैं, और कि आपको माशरे से कोई इतना खास डर नहीं है, ठीक है। और इसीलिए हम बहुत एम्फोसिस करते हैं कि रिपोर्ट करें, ताकि ये पकड़े जाए और ताकि लोगों को थोड़ी सी तो इबरत हासिल हो कि ये इतने आसानी से आप कर नहीं पाए। बिल्कुल सही। तो क्या हमारे यहाँ पर इस किस्म के लीगल फ्रेमवर्क्स हैं जो उसको एड्रेस कर रहे हैं? लीगल फ्रेमवर्क्स बहुत हैं और बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क्स बेहतर से बेहतर हो सकते हैं, हालात बदलते हैं, बहुत सी नई चीज़ें सामने आती हैं, मगर हमारे लीगल फ्रेमवर्क्स अब बहुत बेहतर हुए हैं। इससे पहले भी जो थे, हमने उसमें फुल कन्विक्शंस करवाई हुई हैं, 25 साल की करवाई हुई हैं। बात ये होती है कि इम्प्लीमेंटेशन और उसका परस्यू करना कितना अच्छा कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर है कि ज़्यादती कलर्स तो वल्नरेबिलिटी को शो करता ही करता है, तो किस किस्म के सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस होते हैं अब्यूज़ के विक्टिम पर और उसकी फैमिली पर और सोसाइटी पर भी? ऐसा हूँ, देखिए, अब्यूज़ की ज़ाहिर है, एक तो सबसे बड़ी जो बोझ पड़ेगी फैमिली पे इज़ द लीगल बोझ। हम तो फ्री कानूनी मदद देते हैं, मगर आखिर हर जगह शायद हमारे पास लोग ना आए, और ये बहुत एक्सपेंसिव
काम होता है अगर आप लॉयर को हायर करें, ठीक है ना। इसलिए हम बहुत एम्फोसिस देते हैं कि जी हम मुफ्त कानूनी मदद देते हैं बच्चों के लिए जिनके साथ ज्यादती हुई है, जरूर हमसे ताकि ये बर्डन ना पड़े। फिर दूसरी बात है अगर लोग पहले ही सोशियो इकोनॉमिक वीकनेस वीक स्टाटा से आ रहे हैं तो फिर आप सोचिए और उनके ऊपर, फिर हो सकता है कि वो ये महसूस करें कि अब हम यहाँ रह नहीं सकते, जहाँ भी फिर वो आप सोचिए कितना उनको अफेक्ट करेगा, नई जगह जाना, सेटअप करना। सो इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत इफेक्ट होते हैं, मगर एट द सेम टाइम हम ये कहते हैं कि अगर आप बहादुरी करें, अब आप पर्स्यू करें और पनिश करवाएं, तो एक लिहाज से आप बहुत मुस्बत जिंदगी गुजार सकते हैं उसके बाद, क्योंकि आप में हिम्मत आ गई है इस चीज़ को फेस करने। यू थिंक के जो ऐसे बच्चे होते हैं वो बहुत प्रोडक्टिव सिटीजन बन सकते हैं, कि लर्निंग लॉसेस तो नहीं स्टार्ट हो जाते, ये इस किस्म की चंद चीज़ें जो आप समझती हैं कि नॉर्मली देखने में आई हैं? देखिए लर्निंग लॉस तो होगी, हमारे यहाँ कितनी लॉस है ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि जब स्कूल ही नहीं जा रहे होते हैं तो फिर क्या लर्निंग लॉस हो रही है, मगर अगर ट्रॉमा में है, अपसेट है, ये तो जाहिर है वो पीरियड जो होगा उनका मुश्किल होगा, और ये ज़रूर है कि आगे उनकी बहुत मुश्किल होंगी अगर वो इस चीज़ को अपना अपने से निकाल ना सकें इस बात को, क्योंकि फिर अगर ट्रॉमा में रहेंगे या अगर हार मान जाएंगे, हट के रह जाएंगे, जो भी चीज़ें वो होती हैं असरात इसके, तो फिर वो बखुद उस बच्चे को पीछे रखेंगे। मनीष जी, साहिबा साहिब किस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू सपोर्ट विक्टिम्स? मेरा हम दो किस्म की सर्विसेज देते हैं साहिल से, मुफ्त कानूनी मदद बच्चों के लिए जो जिनसी तशद्दुद के शिकार हैं, उन औरतों के लिए जिन्होंने घर में बहुत तशद्दुद हो रहा हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे बच्चे बहुत बुरा असरात लेते हैं, तो हम उनको भी देते हैं और हमें जहाँ तक पता था कि कोई और नहीं देता उनको कानूनी मदद। और तीसरा हम देते हैं जो बच्चों की कम उम्र में शादी हो, क्योंकि वो तो एक किस्म की बहुत बड़ी ज्यादा, तो ये तो हम देते हैं। मगर इससे पहले जो बहुत ज़रूरी है वो ये है आगाही, जब लोगों को पता ही ना हो कि क्या चीज़ें हैं, किस तरह के वो जुर्म हैं, कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो हम पूरे टीचर्स को, स्कूल्स में बच्चों को, ऑर्गेनाइजेशंस को, और अब तो बहुत सी कम्युनिटीज़ में बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर सबसे पहले आगाही देते हैं। सिविल सोसाइटी और पेरेंट्स इस मैनेज को ख़त्म करने के लिए क्या इकदाम उठा सकते हैं? देखिए हम एक बात बहुत वाज़ह तौर पे करते हैं कि बच्चों की प्रोटेक्शन जो है ना वो हर एक की जिम्मेदारी, हर एक वालदैन की भी है, हर एक बंदे की भी है जो कम्युनिटी वाले हैं सबकी है, हर फर्द की है जो मुल्क में रहते हैं, और हुकूमत की भी, क्योंकि बच्चा जब आप बच्चे को देखते हैं तो उसका पूरा एक इसका माहौल उसको प्रोटेक्ट करेगा, तो तभी प्रोटेक्शन होगी। सो इसलिए हम ये कहते हैं कि जी वालदैन के लिए क्या क्या ज़रूरी है, किस तरह उन्हें रबते रखने हैं बच्चों के साथ, कम्युनिटी में कि आप सब इकट्ठे हैं, आप अपने पूरी कम्युनिटी की वॉच ग्रुप सब बनाते हैं, इसीलिए क्या आप नज़र रखें कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बच्चे कहाँ हैं। अगर हम हर फर्द का कहें तो हम कहते हैं कि आप कहीं भी ऐसी जाति देखें तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उसको रोकें और उसकी रिपोर्टिंग करें, और हुकूमत ने तो बहुत इकदाम करने हैं ताकि वो आगे बात प्रोटेक्शन की सामने वाजे हो जाए कि उनकी कमिटमेंट है कि ये हो। आगाही की आपने अभी बात की थी, तो आगाही के लिए कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल हैं और जिसको पब्लिक एट लार्ज यूज़ कर सके, आप बताना चाहें उनके बारे में, साहिल ने अगर कुछ ऐसे रिसोर्सेज बनाए हैं? बिल्कुल जी, हमने बहुत सी चीज़ें बनाई हैं, हमारे पास पोस्टर्स हैं जो हर चीज़ पे बात करता है, चाइल्ड राइट्स पे, उनके प्रोटेक्शन मैसेजेस हैं, बच्चों की स्टेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में हैं, पेरेंटिंग स्किल्स हैं, सो वो भी हैं हमारे पास। हमारे पास बहुत से अच्छे वीडियोस हैं, हमारे पास प्रोटेक्शन मैसेजेस के एनिमेशंस हैं, तो मटेरियल तो हमारे पास एक ज़बरदस्त लूडो गेम है जो प्रोटेक्शन से आती है। ठीक है, तो ये किससे अवेलेबल होगी? जी ये हमसे साहिल से आप रब्ता करें, आपको सब कुछ मिल सकता है, कुछ तो बिल्कुल फ्री हैं, कुछ हमारे गेम सब बेचते, बाकी सब हमारा फ्री है पोस्टर्स वगैरह, मगर ये हम ट्रेनिंग के साथ देते हैं। ट्रेनिंग के साथ जी, हम कहते हैं कि जब तक आप समझेंगे नहीं कि ये क्या है तो फिर आप कैसे इस्तेमाल कर सकते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
तो नाज़रीन आपने सुना मोहतरमा मनीज़े बानो साहिबा को, और उनके मुताबिक ये था कि बच्चे की हिफाजत जो है हर फर्द की जिम्मेदारी है, और मुआशरे आई एम श्योर उस टाइम आगे जा सकते हैं जिस तरह कि आपने सुना कि जब यहाँ पर महफूज सिटीजन्स या महफूज अफराद जो हैं वो पैदा होंगे, आगे बढ़ेंगे। और उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि इनकी जो वेबसाइट है sahil.org, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मौजूद हैं जो ना सिर्फ चाइल्ड प्रोटेक्शन पर, बच्चों की पेरेंटिंग के ऊपर, और उसके अलावा और बहुत ज़्यादा मालूमात और सर्विसेज के हवाले से भी मौजूद होंगे। तो प्लीज़ विजिट देयर वेबसाइट, और अगर कोई भी सवाल है तो उनके पास जो है फ्री काउंसलिंग सर्विसेज भी हैं और बहुत ज़्यादा डिफरेंट टूल्स भी अवेलेबल हैं जो आपकी सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारे प्रोग्राम को देखने का बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ हमें फीडबैक पर जरिए ज़रूर बताइए कि आने वाले टाइम में आप किस मौजू को देखना और सुनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।